नमस्कार, मैं साक्षी एम एस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। दिशा पटानी का डांस देखकर याद आ जाएगी धक धक गर्ल माधुरी। दिशा पटानी आज के बॉलीवुड की सबसे हिट एक्ट्रेस हो न हो, लेकिन उनके दीवाने फैंस की संख्या अनलिमिटेड है। दिशा नई फोटोज हो या वीडियोस अपलोड होते ही वायरल हो जाते हैं। सलमान खान की फिल्म भारत में दिशा पटानी की जोड़ी दबंग के साथ देखना काफी मजेदार रहा। कुछ दिन पहले रिलीज हुआ फिल्म का सॉन्ग स्लो मोशन यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। गाने को विशाल शेखर और नाकाज अजीज के साथ श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है। दिशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसी सॉन्ग का मेकिंग वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस के डांस मूव्स देखकर आपको माधुरी दीक्षित की याद आ जाएगी। दिशा पटानी के इस मेकिंग वीडियो को खबर लिखे जाने तक 9 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। दिशा येलो कलर की साड़ी, जिस एनर्जी और परफेक्शन के साथ डांस कर रही है, उन्हें देखकर लेजेंडरी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की याद आ जाती है। माधुरी का हिट डांस नंबर हमको आजकल है इंतजार, आज भी उनके फैंस का पसंदीदा सॉन्ग है। सलमान की शादी का पता नहीं पर सरोगेसी के जरिए बनेंगे पिता। सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर। 53 साल के दबंग खान शादी कब करेंगे, ये सवाल सालों से उनके फैंस पूछ रहे हैं। सभी सलमान खान की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर बार सलमान खान शादी के सवाल पर गोलमाल जवाब देकर निकल जाते हैं। शादी के सवाल पर शादी का फैसला लेने में चाहे सलमान को भले समय लग रहा हो, लेकिन वे उम्र के इस पड़ाव में पिता बनने के बारे में सोच रहे हैं। जानकारी के अनुसार सलमान सरोगेसी के जरिए पिता बनने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सलमान खान को बच्चे कितने पसंद है। बच्चों के लिए उनका प्यार कई मौकों पर देखने को मिला है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान अभी शादी को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसे में सलमान पिता बनने के लिए सरोगेसी का रास्ता अपना रहे हैं। वैसे सलमान से पहले बॉलीवुड के कई सितारे शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर, एकता कपूर, तुषार कपूर और सनी लियोन सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बन चुके हैं। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।